सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 3 से 5 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 4 बजे से 5 बजे तक शुरू हो चुकी है। हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? तो बच्चों, आज है संडे और आपको तो पता ही है कि संडे के दिन हम लोग करते हैं ढेर सारी मस्ती। तो आज हम लोग सबसे पहले बापू की पाती पढ़ेंगे और महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद होगा एक मजेदार प्रोग्राम जिसका नाम है अंग्रेजी ओके प्लीज, और सबसे अंत में करेंगे चिड़ियाघर की सैर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग कार्यक्रम। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। गुजरात राज्य का एक खुशहाल इलाका है सौराष्ट्र, जिसे काठियावाड़ भी कहते हैं। इसी में समुद्र के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है पोरबंदर। आज से 150 साल पहले यह एक रियासत थी। यहाँ एक राजघराने का शासन था। यहीं पर 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। पुतलीबाई, मोहन की माँ, उन्हें प्यार से मोनिया कह के बुलाती थी। मोहन के पिता करमचंद कभा गांधी, उनके पिता की ही तरह वे भी राज रजवाड़ों में दीवान थे। दीवान यानी रियासत के प्रधानमंत्री। करमचंद जी कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, पर उनकी सूझबूझ और नेक दिली में सभी का भरोसा था। वे हमेशा शुद्ध न्याय ही करते थे। धन बटोरने का लोभ उन्होंने कभी नहीं किया। पुतली बाई थी धर्म की पक्की, लंबे और कठोर उपवास रखती, रोज प्रणामी संप्रदाय के मंदिर जाती, जहां वेद पुराण और गीता के साथ ही कुरान और तरह तरह के संतों के उपदेश भी लिखे होते थे। मोहन का घर 3 मंजिल और 12 कमरे वाला, इसी में उनका जन्म हुआ। मोहन के भाई लक्ष्मीदास और करसनदास और बहन रलियात, मोहन सबसे छोटे थे। छुटपन में उनकी बहन रलियात उन्हें खूब खिलाती थी और खूब बहलाती थी। मोहन बहुत चंचल थे, जरा देर भी शांत नहीं बैठते थे। कुत्तों के कान उमेटने में उन्हें बहुत मजा आता। मोहन के घर मजेदार स्वादिष्ट खाना पकता था। वैष्णव शाकाहारी भोजन, तरकारी बनाने के लिए सब्जी अक्सर उनके पिताजी ही काटते थे। जब वो 5 साल के थे, तब उनका परिवार राजकोट चला आया और जल्दी ही उनके पिताजी वहां के दीवान बन गए। ओखा नाम का एक लड़का उनके घर पर सफाई करने आता था। मोहन उसे दोस्ती करना चाहते थे, पर उनकी माँ कहती कि ओखा अछूत है, उसे छूना नहीं चाहिए। मोहन को छुआछूत गलत लगती थी, पर माँ का कहा टालना भी गलत था। राजकोट में मोहन नियमित पाठशाला जाने लगे, पर उन्हें स्कूल अच्छा नहीं लगता था। ना जाती थी, डर लगता था कि दूसरे उन पर हंसेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे। वो जरूरत से ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, शिक्षकों से भी नहीं। घंटी बजते ही अंदर जाते और कक्षा पूरी होते हुए दौड़ के बाहर निकलते और घर चले जाते। उनकी किताबें और पाठ ही उनके दोस्त थे।
मोहन एक मामूली छात्र थे, ना तो बहुत होशियार और ना ही एकदम फिसड्डी। हाँ, उन्होंने कभी शिक्षकों या सहपाठियों से झूठ नहीं बोला था, ये उनसे होता ही नहीं था। एक बार अध्यापक महोदय ने खुद उनसे नकल करने के लिए कहा, लेकिन ये बात उन्हें समझ में नहीं आई। विद्यालय के पाठ ही पूरे नहीं हो पाते थे, कुछ और पढ़ना तो दूर की बात। पर एक बार उन्होंने अपने पिता की लाई एक किताब पढ़ी, उसमें माता पिता की सेवा करने वाले श्रवण कुमार की कहानी थी, जिसे बाद में उन्होंने एक चलचित्र में भी देखा। मोहन एकदम श्रवण कुमार जैसा बनना चाहते थे। उसका असर इतना गहरा पड़ा कि मोहन ने चलचित्र का संगीत अपने बाजे पर बजाना सीख लिया। मोहन के माता पिता सत्य और धर्म को सदा ही मानते थे। उन्होंने देखा कि वे सच्चाई के लिए सब कुछ त्याग कर सकते हैं। उनके ऊपर श्रवण कुमार और राजा हरिश्चंद्र की कहानियां, सत्य की ताकत मोहन के मन में और गहरी बैठ गई थी। उस समय नौटंकी दिखाने वाले घूमते रहते थे खेला दिखाने के लिए। एक बार राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखने मोहन गए। हरिश्चंद्र हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते थे। मोहन को नाटक इतना बढ़िया लगा कि बार बार देखने की इच्छा होती। नाटक के वाक्य वो अपने मन में दोहराते और उन्हें लग सब लोग हरिश्चंद्र की ही तरह सत्यवादी क्यों नहीं हो जाते। क्या तुमने हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार की कहानियां सुनी हैं? अगर नहीं तो तुम्हारे आसपास जो हैं, तुम उनसे पूछना, ये कहानियां बहुत ही खास हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम महात्मा गांधी जी की शादी और उनके स्कूल के कुछ किस्सों के बारे में बात करेंगे। बोलो थोड़ा इंग्लिश प्लीज, गलत लगे तो सिंपली से आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी प्लीज। अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज। हाय, हेलो, नमस्कार। सालों पहले अमिताभ बच्चन साहब ने गाकर कहा था, माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। फिर उसके बहुत साल बाद आमिर खान ने कहा, ऑल इज वेल। हिंदी फिल्मों ने खुले दिल से अंग्रेजी को अपनाया है और हम सब ने भी फिल्मों की भाषा बोलते हुए साथ निभाया है। आज जब अंग्रेजी हमारे देश के लगभग सारे राज्यों में पहली कक्षा से पढ़ाई जा रही है, तो वक्त आ गया है इस अंतर्राष्ट्रीय भाषा को सीखने के लिए। अब अंग्रेजी सीखना बना बच्चों का खेल, आ गया है अंग्रेजी ओके प्लीज। आपका शुभ नाम, आप लीडर हो इस टीम के? Yes. What's your name? My name is Balaji. Balaji, who is with you? He is my father. Okay. He is driver. Okay. She is my mother. She is housewife. Okay. She is my friend. She is studying 9th standard. And which standard are you in? I am studying 5th standard. 5th standard. I am 10 years old. Very good. अब पिताजी को माइक दे दीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। आपका शुभ नाम? मैं एस के मणि सर। एस के मणि। मणि सर, यू आर ए ड्राइवर। हाँ जी। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? प्राइवेट गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, प्राइवेट गाड़ी चलाते हैं। हाँ, और आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? अभी हो गया, अभी 20 साल के ऊपर हो गया। 20 साल हो गए आपकी शादी को? अरे लगता नहीं आपको देख के कि 20 साल हो गए। अपनी मम्मी को माइक देना बेटा। खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश है आपसे मिलके। मुझसे मिलके भी, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप अपने हस्बैंड के साथ कभी अंग्रेजी में कोई वर्ड बोलते हैं? नहीं। तो कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल। तमिल बोलते हैं। और आप अपनी वाइफ को कभी? तमिल में बोलता हूँ। अंग्रेजी कभी नहीं? अंग्रेजी नहीं। कभी घुमाने वुमाने ले जाते हैं? हाँ। लेके जाता कभी कभी। अपनी गाड़ी में? गाड़ी में लेके जाते हैं। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है रॉकस्टार टीम। प्लीज वेलकम नाउ द सुपर स्टार फैमिली। आप इनकी लीडर हैं, क्या नाम है आपका? सबा। सबा, सबा का मतलब क्या होता है? सुबह की ठंडी हवा। आहा, सुबह की ठंडी हवा चली तो मेरी जुल्फें उड़ गई।
बहुत देर से सुबह की ठंडी हवा में घूम रहा हूँ मैं। कौन कौन आए हैं आपके साथ सभा जी? शी माय मदर, ओके, शी इन हाउस वाइफ, ओके, ही माय फादर, यस, ही इज टेलर, टेलर, ही माय ब्रदर, ही इज 8th स्टैंडर्ड। आपका नाम क्या है सभा के पिताजी? इब्राहिम शेख। आप टेलर हैं, आपकी आप किसी दुकान में काम करते हैं या प्राइवेट काम करते हैं? दुकान में काम करता हूँ। क्या नाम है आपकी दुकान का? शिफा गारमेंट्स के नाम से है वो। चलिए बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। वेलकम सुपर स्टार टीम, वेरी गुड। और अब प्लीज वेलकम द मेगा स्टार फैमिली, आइए। कौन है लीडर आपका? मैं। आप हैं बेटा, आपका शुभ नाम? माय नेम इज खान आयशा अब्दुल मन्नान। अच्छा, और आपके साथ कौन कौन आए हैं? ही इज माय फादर। ओके, व्हाट्स हिज नेम? माय फादर नेम इज अब्दुल मन्नान। ओके, व्हाट डज ही डू? ट्रंबल बिजनेस। ट्रंबल बिजनेस। आपके साथ ये कौन है बच्ची? शी माय सिस्टर। व्हाट्स हर नेम? माय सिस्टर नेम इज रुकैया। एंड दिस बॉय? ही इज माय ब्रदर, माय ब्रदर नेम इज फरीदुद्दीन। आपकी मम्मी नहीं आई? नहीं। क्यों? झगड़ा हुआ पापा के साथ? झगड़ा हुआ, सच्ची बताओ? नहीं, बीमार है? हाँ। खुल के बोलो बेटा, हंस के बोलो। मैं तो बड़ा अच्छा, कितनी अच्छी शक्ल है मेरी। तो चलिए बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस गेम शो में जिसका नाम है अंग्रेजी ओके प्लीज। वेरी गुड। जब बात फिल्मों की चली रही है तो थोड़ी एक्टिंग हो जाए। शुरुआत करते हैं मुझसे अंग्रेजी ओके प्लीज के पहले राउंड में, यानी बोले तो राउंड में, बोले तो राउंड में मैं करूंगा एक्टिंग और आपको मुझे बताना है कि मैं क्या कर रहा हूं। बोले तो अंग्रेजी में बताना है। सही जवाब के मिलेंगे 10 में से 10 और आपके पास है सिर्फ 20 सेकंड, वरना गाड़ी छू मंतर। तो तैयार है रॉकस्टार टीम आपकी? यस। तैयार है बेटा। आप में से कौन जवाब देगा? माय फ्रेंड। अब मैं एक्टिंग करूंगा और आपको बताना है कि मैं क्या कर रहा हूं। ओके ओके, रेडी? रेडी। क्या किया मैंने? पुश। पुश, हम बहुत खुश। वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सुपरस्टार, आप में से कौन जवाब देगा बेटा? मेरा भाई। मेरे भाई, जो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ उसको अंग्रेजी में बताओ मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है? वॉकिंग। आई एम वॉकिंग एंड यू आर टॉकिंग एंड यू आर टॉकिंग, एब्सोल्यूटली राइट, बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा आपने। मेगा स्टार टीम, आप लोग तैयार हैं? हाँ। You are crying. I am crying. Yes, I am crying. Absolutely right answer. Very good. Very good. Bollywood के कई कामयाब एक्टर्स के नाम A से शुरू होते हैं। बताओ A से शुरू होने वाले एक्टर्स के नाम। अमिताभ बच्चन। ओके, और? आमिर खान। और? अक्षय कुमार। और? अभिषेक। अभिषेक। और? अनिल कपूर। और? आदित्य पंचोली। सबके नाम याद आ गए और मेरा नाम कोई याद नहीं किया, बहुत सामने खड़ा हूँ और मेरा नाम कोई ले नहीं रहा है। मुझे लगा सबसे पहले आप मेरा नाम लोगे। क्या मेरा नाम? अनुपम खेर जी। अब जरा इज्जत देने लगे, वाह। अब आपको भी ए से अव्वल बनना है तो हमारे इस खेल में मेरे दिए एक अक्षर से शुरू होने वाला अंग्रेजी शब्द बताना है। सही जवाब देंगे तो 10 में से 10, बस याद रहे आपके पास सिर्फ 20 सेकंड में गाड़ी, वरना छू मंतर हो जाएगी। टीम रॉकस्टार, आपका अक्षर है र। र आर र। रोज। रोज, गुलाब। एब्सोल्युटली, वाह 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 वाह। सुपरस्टार की मोहतरमा, छोटी सी बच्ची, आपका अक्षर है टा। ट ट टी। टमेटो। टमेटो इज एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। टमेटो, और आलू को क्या बोलते हैं? बटेटो। बटेटो। पटेटो। बटाटा और पोटेटो को साथ में कर दिया, बता दिया बटेटो। वेरी गुड, वेल डन सुपरस्टार। और मेगा स्टार, आपका अक्षर है बा। बी बा ब बी बी। ब्रिंजल। ब्रिंजल, ब्रिंजल, एब्सोल्युटली, बहुत सही।
क्या बात है, आज तो फूल और फलों की बात हो रही है, फूल फल और सब्जियों की बात हो रही है, ब्रिंजल बटाटो और ये बोले रोज, वाह। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं अब तक के स्कोर्स। तो सुपरस्टार्स को मिले हैं 20, मेगा स्टार्स को मिले हैं 20, रॉक स्टार्स को भी मिले हैं 20। आप सबको फिल्में देखना अच्छा लगता है ना, जब फिल्में देखते हो तो क्या अच्छा लगता है बताइए? गाना, गाने अच्छे लगते हैं। सॉन्ग। आपके पिताजी ने कभी आपकी माताजी के लिए गाना गाया है? नो। नहीं, मुझे तो एक चीज बहुत अच्छी लगती है और वो है इंटरवल, जिसमें मैं समोसे वगैरह खरीद कर खा सकता हूँ, पॉपकॉर्न। अब समोसों की बात हुई है तो मुंह में पानी पानी आ गया है। चलो जल्दी से एक इंटरवल करते हैं, मैं समोसे खा कर आता हूँ, फिर आप भी समोसे वगैरह खा के आइए, फिर जोश में खेलेंगे। अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज। वेलकम बैक टू अंग्रेजी ओके प्लीज। अब तक सबके मार्क्स बराबर हैं। ओके, अंग्रेजी ओके प्लीज के इस खेल में आपको मिल सकते हैं पूरे 100 में 100। अब तक तो मिले हैं 20, थोड़े और जोड़ लो, थोड़े और तोड़ दो, वरना इंग्लिश की टीचर कहेगी अंग्रेजी नॉट ओके प्लीज। तो और मार्क्स जोड़ने के लिए शुरू करते हैं हमारा अगला राउंड, जोड़ तोड़ राउंड। ये राउंड बहुत ही सिंपल है, जैसे एक शब्द लो रैट, जिसका मतलब है चूहा, चूहा, और अगर मैं रैट के आगे लगा दूं ई तो बन जाता है रेट, और रेट का मतलब होता है पैसा, पैसा नहीं दाम मेरे बच्चे, पैसा पिताजी से बाद में लेना। क्या रेट है इसका, क्या दाम है इसका। हमारे इस राउंड में आपको यही करना है, एक अक्षर जोड़ना है, 10 पॉइंट मिलेंगे सही शब्द बनाने के लिए और 10 पॉइंट मिलेंगे उस शब्द का सही अर्थ बताने के लिए। यानी 20 में से 20 चाहिए तो शब्द और अर्थ दोनों बताना होगा। और याद रहे आपके पास सिर्फ 30 सेकंड बाकी हैं, वरना गाड़ी छूमंतर। अब सिर्फ टीम लीडर्स को ही जवाब देना होगा। रॉकस्टार, अगर एल ए के आगे मैं ई लगा दूं तो क्या बनेगा? लेक, लेक बनेगा, और उसका क्या मतलब होता है? आपका टाइम खत्म हो गया बेटा, लेक का मतलब होता है झील। बेटा अब लेक तो बोल लिया मगर उसका शब्द का अर्थ नहीं बताया, तो 10 मार्क मिलेंगे 20 में से 10। ओके, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। सुपरस्टार, एल ओ एन का वैसे तो कोई मतलब नहीं होता है, पर अगर मैं ओ और एन के बीच में ए लगा दूं तो लोन बनेगा, मतलब उधार। तो आप मुझे बताइए सुपरस्टार टीम, अगर बी ओ टी में मैं ओ और टी के बीच में ए लगा दूं तो क्या हो जाएगा? बोट, बोट, बोट का मतलब नाव, नाव, बिल्कुल सही जवाब दिया आपकी बेटी ने, वाह 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 वाह। मेगा स्टार, पैन का क्या मतलब होता है? तवा, पर अगर मैं पैन में ए और एन के बीच में आई लगा दूं तो दर्द होगा, क्योंकि बनेगा पेन यानी दर्द। मेगा स्टार, नेल, एन ए एल, वैसे तो इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अगर मैं ए और एल के बीच में आई लगा दूं तो क्या बनेगा? नील, नेल, नेल का मतलब नाखून, नाखून, बिल्कुल, नाखून नहीं चबाने चाहिए बेटा, ताली मारो अपने लिए, बहुत अच्छे। आपके पिताजी ज्यादा मुस्कुरा नहीं रहे हैं, घबराइए, अरे आप मुस्कुराए समझ नहीं, ऐसा कैसे, उनको टेंशन हो रही है आपको बच्चे की, खेल ठीक खेल रही है, आप मुस्कुराते रहिए और कंधे पर हाथ रखिए बच्चे के। मेरे कम सुनने वाले पड़ोसी जो बहरे हैं, पता है जब वो पहली बार मेरे बगल वाले घर में शिफ्ट हुए तो मैंने उनसे कहा कि आप कभी हमारे घर आइए, लिफ्ट लेकर बस ऊपर आ जाना, तो मेरे घर आए और उन्होंने मुझे एक बड़ा सा तोहफा दिया और बोले आप पहले आदमी हो जिसने खुद कह दिया आना है तो गिफ्ट लेकर आना, मतलब लिफ्ट को उन्होंने गिफ्ट सुना। खैर मैं जानता हूं ये कम सुनने की बीमारी तो आपको नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, सबको सुनाई देता है? Yes. ठीक तरह से? Yes. Very good. क्योंकि इस राउंड के लिए आपको पूरा ध्यान लगाकर सुनना होगा और फिर दिए हुए शब्द की स्पेलिंग पूरी करनी होगी। अगर आप 2 या ज्यादा अक्षर पूरे कर पाए तो आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स, पूरे 20 पॉइंट्स तभी मिलेंगे जब आप पूरी स्पेलिंग कंप्लीट कर पाएंगे। याद रखिए सिर्फ टीम लीडर्स को ही जवाब देना होगा। ओके,
रॉक स्टार्स, आपका शब्द है जॉयफुल। जॉयफुल स्पेलिंग करेक्ट करिए। जे जे ओ ओ वाई वाई एफ एफ यू यू एल एफ जे ओ वाई एफ यू एल जॉयफुल इज एब्सोल्यूटली द राइट आंसर। मतलब खुशी से भरा हुआ, जैसे ये सुखद परिवार मुझे लग रहा है, जॉयफुल परिवार है। वेरी गुड। ओके टीम सुपरस्टार, आपका शब्द है क्रेयॉन। क्रेयॉन क्रेयॉन सी सी आर आर ए ए ए यस वाई वाई ओ ओ एन एन एब्सोल्यूटली राइट आंसर। वाह 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 वाह। तो मेगा स्टार आप तैयार हैं? आपका शब्द है लॉयल्टी। लॉयल्टी एल एल ओ ओ वाई वाई ए ए एल एल टी वाई टी वाई लॉयल्टी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह वाह वाह। अरे क्या बहन ताली मार रही है जोर जोर से, शाबाश। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं अब तक के स्कोर्स। रॉकस्टार आपके स्कोर्स हैं 50, सुपरस्टार के हैं 60 और मेगा स्टार के भी हैं 60। अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज। वेलकम बैक टू अंग्रेजी ओके। इस राउंड के पहले खेल में मैं आपको तीन वाक्य दूंगा, दो वाक्य हिंदी में और एक इंग्लिश में। आपको अंग्रेजी वाक्य का मतलब मुझे हिंदी में बताना है। सही जवाब के लिए मिलेंगे 20 में से 20, सिर्फ टीम लीडर को जवाब देना होगा और याद रहे 30 सेकंड में गाड़ी छू मंतर। टीम रॉकस्टार आपका सवाल है, गांव से दादी आई, दादी बहुत अच्छी है, शी टेल्स अस स्टोरीज। वो कहानी बोलने लगी। वो कहानी सुनाती है। वेरी गुड, आई विल गिव इट टू यू। वेल डन वेल डन, शाबाश सुपरस्टार। रेडी आप लोग? यस। ये रहा आपका वाक्य, बारिश हो रही है, शिल्पा बारिश में भीग गई, शी इज फीलिंग कोल्ड। शी उसको ठंडी लग गई। उसको ठंडी लग रही है या लग गई? लग रही है। लग रही है, बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा, बहुत अच्छे। मेगा स्टार आप रेडी हैं? Yes. एक बार फिर मुस्कुरा दीजिए पिताजी। वेरी गुड। ध्यान से सुनिए, हम बाजार गए, वहां बहुत सारी अच्छी चीजें थी। आई बॉट अ न्यू टॉय। आई बॉट अ न्यू टॉय। मैंने नवा खिलौना खरीदा। मैंने नवा खिलौना खरीदा, बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सोचिए अगर आपका फेवरेट गाना अगर ऐसा कोई गाता, पे मार ले चांस डांस, कोई मजा नहीं आया। असली गाना क्या है? डांस पे चांस मार ले। करेक्ट। अब हर शब्द को सही जगह लगाने से ही असली मतलब निकल कर आता है। हमारा अगला खेल भी यही है, मैं आपको अंग्रेजी का एक वाक्य दूंगा जिसमें सारे शब्द होंगे तितर बितर आगे पीछे, आपको उन्हें सही जगह पर लाकर खड़ा करना है ताकि उसका वाक्य सही बन जाए और 20 में से 20 आपको मिलेंगे अगर आपने सही कर दिया। और हाँ, इसके लिए 30 सेकंड है आपके पास और इसका जवाब भी टीम लीडर ही देंगे। तो तैयार? यस। तैयार? यस। शाबाश टीम रॉकस्टार। व्हाइट हैज शी स्कर्ट ए, बताओ व्हाइट हैज शी स्कर्ट ए, तो करेक्ट इंग्लिश क्या होगी, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? शी शर्ट शर्ट has a white skirt। बेटा शर्ट तो इसमें वर्ड ही नहीं है। White has she skirt a। She skirt she has a white। आपका वक्त खत्म। She skirt has a white, गलत है बेटा। She has a white skirt, उसके पास सफेद स्कर्ट है। शी
has a white skirt is the right answer. No problem, don't worry. Superstar, ready हैं आप लोग? Yes. आपका वाक्य है, pens me gave Ritu to. Give me Ritu. हाँ. Give me two pen. Ritu gave me two pens. Absolutely fabulous. बहुत अच्छे बेटा, क्या बात है. Megastar, तो आपका वाक्य ये है. Window sat on bird the. Bird sat on the window. Are you sure you're right? Yes. Correct जवाब दिया बेटा आपने. Very good. अरे जान निकल गई. हमारे आज के तीनों खेल खत्म हुए. अब स्कोर्स ये फैसला कर देंगे कि आज की विजेता टीम कौन सी है. रॉकस्टार 70 पर अटक गए, कोई बात नहीं. सुपरस्टार्स और मेगा स्टार्स को मिले हैं 100 में से 100. अब चूंकि सुपरस्टार टीम ने और मेगा स्टार टीम ने बराबर के अंक हासिल किए हैं, तो हमारे पास आ गई एक प्रॉब्लम, एक सिचुएशन जिसको हम बोलते हैं टाई ब्रेकर. तो हमें आपसे एक विजेता चाहिए. अब मैं आपसे एक एक सवाल पूछता जाऊंगा, जिसके जवाब सही होंगे ज्यादा वो आज का विजेता. मैं चाहूंगा कि इसमें माँ बाप, भाई बहन कोई जरूरत से ज्यादा ना बोले. अगर पीछे से कोई बोला तो आप लोग डिस्क्वालिफाई हो सकते हैं. तो बेटा रेडी? यस. चम्मच को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पून. स्पून, माय गॉड. स्पून की स्पेलिंग क्या है? SPON. ओके, मैं आपके पास आता हूं. चलो बेटा, थाली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थाली को डिश. डिश, ओके. इसकी स्पेलिंग क्या है? डिश. याद रखिए हमने स्पेलिंग्स कैसे की थी. क्या स्पेलिंग्स है? टाइम आपका निकल रहा है, जल्दी करिए. D I S H. बिल्कुल भी सही जवाब है. बिल्कुल फैंटास्टिक. बेटा आपने तो स्पेलिंग गलत बोल दी है. स्पून की स्पेलिंग होती है SPOON. पर बहुत अच्छा खेली मेरी बच्ची. आज के विजेता हैं हमारे मेगा स्टार टीम. वाह वाह, आइए मेगा स्टार साहब. अब जब सारे अंग्रेजी में लिखे फिल्मों के पोस्टर आप लोग पढ़ पाओगे तो सोचो कैसा होगा. अब जब सारे अंग्रेजी के डायलॉग समझ आएंगे तो सोचो कैसा होगा. सोचो जब दोस्त अंग्रेजी शब्दों के मतलब पूछने तुम्हारे पास आएंगे तो कैसा होगा. अरे अब इन चीजों की आदत डालो, क्योंकि अंग्रेजी सीखना तो अब है बच्चों का खेल. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी जगह इसी शो पर, जिसका नाम है अंग्रेजी ओके. I'll do it.
जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज हम लोग शामिल होंगे जू शो में। आज हम लोग दो जानवरों के बारे में बात करेंगे। पहला जानवर वह है जिसके कान और पूंछ को छोड़कर पूरे शरीर में एक भी बाल नहीं होता। गेस करिए वह कौन सा जानवर है? जी हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही पहचाना, वह है गैंडा यानी राइनोसोरस। और दूसरा जानवर है रॉयल बंगाल टाइगर। तो चलिए बच्चों, इनसे मिलने हम लोग चलते हैं पटना के चिड़ियाघर में और शुरू करते हैं जू शो। आज पटना जू आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत जू में अवस्थित गेंडा एनक्लोजर के बारे में जानेंगे। इससे संबंधित सभी जानकारी समझने का प्रयास करेंगे। पटना जू पूरे विश्व में गेंडा प्रजनन कार्यक्रम के लिए जाना जाता है और आज यहाँ 11 इंडियन राइनो हैं, जिनमें 5 मेल और 6 फीमेल हैं। गेंडा एक विशालकाय शाकाहारी वन प्राणी है। हाथियों जैसा ही यह भारी भरकम शरीर वाला स्तनधारी पशु है, जो असम, बिहार और नेपाल के जंगलों में स्वच्छंद विचरण करता है। सच पूछे तो नेपाल और भारत में गेंडे को एक मंगलकारी पशु भी समझा जाता है। भारतीय गेंडे के शरीर पर बाल नहीं होते, बस कान और पूंछ पर ही बाल होते हैं। उसके नाखून हाथी जैसे होते हैं। गेंडे का रंग स्लेटी होता है और शरीर पर खाल ढालों की तह की तरह मढ़ी होती है।
इंडिया में इनकी संख्या लगभग 2500 के आसपास है। अगर जू को देखा जाए तो पटना जू में सैन डियागो के बाद सबसे ज़्यादा इंडियन राइनो है। केंद्रीय जू प्राधिकरण के सहयोग से यहाँ पे एक राइनो ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की गई है और इसका लागत लगभग 5 करोड़ 10 लाख के आसपास आया है, जो बन के तैयार है। आप इसमें 2 राइनों को छोड़ भी दिया गया है, हम लोग उसे अभी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और ये बिल्कुल इनके नेचुरल अधिवास की तरह है। काफ़ी बड़ा एरिया है, लगभग 3.5 एकड़ का लैंड है। भविष्य में हमारी प्लानिंग है कि यहाँ पे अगर राइनों की संख्या ज़्यादा बढ़ती है तो उसे हम वाइल्ड में भी रिलीज करेंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, उसमें भी हम राइनों को उनके अधिवास में छोड़ने की तैयारी करेंगे। जानवर को धीरे धीरे वाइल्ड में छोड़ने के लिए एक्लिमेटाइज किया जाता है। हम लोगों ने भी यहाँ पे वाल्मीकि से ला करके उनसे मिलता जुलता ग्रासेस को लगाए हैं ताकि उन्हें ऐसा प्रतीत हो जो सॉफ्ट रिलीज में इनके आगे आगे चलकर काम आ सके। सबसे विचित्र बात यह है कि गेंडों की थूथन के ऊपर 1 या 1.5 फीट ऊंचा सिंग होता है, परंतु असल में वह सिंग नहीं, हजारों मोटे और मजबूत बालों का गुच्छा होता है जो ऊपर की ओर उठा होता है। गेंडे के लिए यह सबसे उपयोगी है। सिंग अगर एक बार टूट जाए तो वो फिर बढ़ जाता है। नर और मादा दोनों में ही सिंग होते हैं। भारतीय गेंडों की औसत लंबाई 12 फुट और ऊंचाई 5-6 फुट तक होती है। मादा गेंडे का वजन 1500 किलो और नर गेंडे का वजन लगभग 2000 किलो तक होता है। इसे सामान्यतः लंबी घास के मैदानों में रहना पसंद है, लेकिन अगर आसपास दलदली इलाका हो तो सोने पे सुहागा, क्योंकि इसे कीचड़ स्नान बहुत पसंद है। यह पूरी तरह शाकाहारी प्राणी है। वैसे तो गेंडा एक शांत प्राणी है, वो घायल होने पर भी एकदम आक्रमण नहीं करता। सामान्यतः गेंडा धीमी चाल चलता है, परंतु वो सरपट भी दौड़ सकता है। मादा एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। जन्म के समय गेंडे के बच्चे की थूथन पर सींग नहीं होता। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, सींग भी बड़ा होता जाता है। भारतीय गेंडे की औसत आयु 35 से 45 वर्ष की होती है। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम के तहत आपको आज ले चलते हैं टाइगर एनक्लोजर में। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ जंगल में रहने वाला एक विशाल मांसाहारी प्राणी है, जो अपनी बिल्ली प्रजाति में सबसे बड़ा और ताकतवर होता है। नर बाघ के शरीर की लंबाई 8 फीट से लेकर 13 फीट तक होती है, जबकि वजन करीब 90 किलोग्राम से लेकर 300 किलोग्राम तक होता है। अभी वर्तमान में पटना जू में 7 रॉयल बंगाल टाइगर हैं, जिसमें 2 मेल हैं और 5 फीमेल हैं। इसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर के दोनों फॉर्म हैं,
जो एक अल्बिनो फॉर्म है और एक कलर्ड फॉर्म है, वो दोनों तरह के टाइगर हमारे यहाँ हैं। इनकी औसत आयु लगभग 14 से 20 साल तक मैक्सिमम रिकॉर्ड किया गया है, और जो फीमेल होती हैं वो 3 से 4 साल में मैच्योर हो जाती हैं, मेल 4 से 5 साल में मैच्योर होता है। इंडिया में काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है टाइगर की, और ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसके साथ ही हमारे बिहार में भी टाइगर की काफ़ी अच्छी स्थिति है। मादा बाघ की लंबाई 6 फीट से लेकर 9 फीट तक होती है और वजन करीब 65 किलोग्राम से लेकर 170 किलोग्राम तक का होता है। भारत के बंगाल टाइगर का वजन दुनिया में मौजूद सभी बाघों की तुलना में सबसे ज्यादा 350 किलोग्राम तक होता है। आमतौर पर सारे जानवर दिन के वक्त शिकार करना पसंद करते हैं, पर बाघ रात के समय में अपना शिकार करता है, इसलिए कि ये रात के समय में भी आसानी से देख सकता है। इसका आहार मुख्य रूप से सांभर, चीतल, जंगली सुअर, जंगली भैंस और हिरण है। बाघों का जो मूलतः जो भोजन है वो महिष मांस है, और महिष मांस जो हम लोग इन लोग बाघ को जो आपूर्ति करते हैं काफ़ी साफ सफाई के साथ में पूरा हाइजीन मेंटेन करने के बाद में दिया जाता है। भोजन जो है बाघ का मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। ग्रीष्म ऋतु के लिए अलग इसका आहार तालिका है और जाड़े ऋतु के लिए अलग आहार तालिका है। यहाँ पे इनके बाघों की स्वास्थ्य की पूरी देख रेख की जाती है, हमारे पशु चिकित्सा पदाधिकारी बराबर निगरानी में रखते हैं, बराबर इनके दवा इत्यादि की देख रेख की जाती है। बाघों के लिए हम लोगों की व्यवस्था है गर्मी में कूलर इत्यादि की व्यवस्था की जाती है, ताकि बाघ अधिक लू को भी अंदर नाइट हाउस में रह करके ठंडे वातावरण में रह सके। उसी प्रकार जाड़े में भी बाघों के लिए हम लोग हीटर इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। बाघ को वन, दलदलीय क्षेत्र तथा घास के मैदान के आसपास रहना पसंद है। बाघ ज्यादातर अकेले ही रहना पसंद करता है। केवल प्रजनन काल के वक्त ही नर और मादा एक दूसरे के समीप आते हैं। बाघ के बच्चे को शिकार की कला भी मादा बाघ ही सिखाती है। 2.5 साल के बाद बच्चे माँ से अलग होकर स्वतंत्र रहने लगते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम सांभर हिरण
और शंघाई हिरण के पास चलेंगे। सांभर हिरण एक स्तनधारी जीव है जो कि भारत के लगभग सभी जंगलों में मिलता है। बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर खाल और शाखा जैसी सींग इसे बेहद खूबसूरती प्रदान करती है। नर सांभर हिरण 225 से 320 किलो का होता है, वहीं मादा सांभर हिरण का वजन 135 से 225 किलो तक होता है। सांभर हिरण की टांगे बेहद मजबूत होती हैं, जिस कारण ये काफी तेज रफ्तार से दौड़ते हैं। शांत स्वभाव के ये हिरण जलीय भागों के निकट रहना पसंद करते हैं। सांभर हिरण की सूंघने और सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। वो हल्की सी आहट को भी पहचान लेते हैं। हिरण पूर्ण रूप से शाकाहारी पशु है जो केवल घास, पत्ते और पौधे खाता है। इनका गर्भकाल 240 दिनों का होता है और ये एक बार में एक बच्चे को जन्म देते हैं। सांभर प्रजाति जो है वो हिरणों में पाया जाने वाला इंडिया में सबसे बड़ा हिरण है और इनका जो वजन है वो लगभग एडल्ट मेल में 200 से 300 केजी तक हो सकता है। पटना जू में इनकी संख्या लगभग 50 के करीब है। ये प्रोलिफिक ब्रीडर होते हैं और इनकी जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। ये समूह में रहना पसंद करते हैं और इनके लिए हमने पटना जू में काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। इनका इनक्लोजर काफ़ी बड़ा है और इनके हैबिटेट से मिलते हुए और इनके रिक्वायरमेंट को देखते हुए इसमें पानी की व्यवस्था की गई है, जिसमें पॉन्ड है। इसके अलावा साल्ट लिक वगैरह भी हम लोग इनको प्रोवाइड करते हैं। सांभरों के देखभाल के लिए यहाँ पे एक वेटनरी टीम है जो इसमें लगी रहती है और ज़्यादातर इनमें जो प्रॉब्लम आता है वो इनके इन फाइटिंग की वजह से होती है। ज़्यादा अगर इनका संख्या बढ़ जाए तो आपस में इन फाइटिंग का डर रहता है, जिसमें ये एंटलर से एक दूसरे को हार्म भी पहुंचा सकते हैं। संघाई हिरण भारत के मणिपुर राज्य का एक संकट ग्रस्त प्रजाति का हिरण है। इसे IUCN द्वारा विलुप्त श्रेणी में रखा गया है। ये मणिपुर का राजकीय पशु भी है। पूर्वोत्तर भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी लोकटक झील के दक्षिण भाग में इसका निवास स्थल है। इसकी औसत आयु 12 से 15 वर्ष तक होती है। इसको डांसिंग हिरण भी कहते हैं क्योंकि बहुत सुनहले कलर का होता है ये, और इसके चलने पे एक मतलब नृत्य जैसा इनके चलने पर आभास होता है, इसीलिए इसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में इनकी रख रखाव पे काफ़ी ध्यान देना पड़ता है क्योंकि काफ़ी ये संवेदनशील प्राणी हैं और इनके रख रखाव में पानी वगैरह इत्यादि के बराबर बदलाव होता रहता है। इनके भोजन में डियर मेश, पत्ते और मल्टीग्रेन मिक्सचर इत्यादि दिया जाता है और इनका आकार जो है लगभग हिरण प्रजाति के जैसा ही है, भूरे रंग का होता है, सुनहले कलर का होता है ये। इसकी एक खासियत ये होती है कि ये काफ़ी शर्मीले टाइप के होते हैं, दर्शकों को भी देखते हैं तो ये पीछे चले जाते हैं। दर्शकों को देखने के बाद में इनका अभाव बिल्कुल एकदम शून्य जैसा रहता है और ये काफ़ी आकर्षक करते हैं दर्शकों को अपने यहाँ।
संघाई हिरण का गर्भकाल 240 दिनों का होता है और एक बार में एक बच्चे को जन्म देते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए एनक्लोजर में। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।